आरके म्यूजिक संति गुरु की लोगों सेवा करनी चाहिए, और इन चारा के चरण पूजते स्वर्ग लोक में जाइए। मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए, इन चारा के चरण पूजक स्वर्ग लोक में जाइए। हो मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए, इन चारा के चरण पूज स्वर्ग लोक में जाइए। इन चार के चरण पूज स्वर्ग लोक में जाइए। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा सभी सजनों से, मेरी माता बहनों से, एक बार जोरदार तालियां अपने माता पिता के आशीर्वाद के लिए लगाएं। उनका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि वो नहीं होते। नवरात्र का टेम है, कहते हैं कि अगर माँ नहीं होती, बोल करना सजनों, कि चांद नहीं होते तो तारे नहीं होते, कि अगर चांद नहीं होता तो तारे नहीं होते, और मां नहीं होती तो हम सारे नहीं होते। अपनी मां बाप के लिए एक बार जोरदार तालियां, भगवान उनको सलामत रखे, स्वास्थ्य रखे। पहली गली में मां बाप की सेवा किसने करी, आज भी नाम अमर है लोगों। ये मेरे बहुत याद है, मेरे भाई 100 रुपए से भजन पर खुश होकर मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। दुनिया करती है सेवा, लेकिन ऐसी सेवा शायद किसी ने करी हो। कौन था वो, किसका नाम लिया कवि ने, क्या कहा, एक हांडी में दो पेट करिए थे, एक हांडी में दो पेट करिए थे, उस श्रवण की रानी ने और पूजा पकड़ के श्रवण रोया, ओ तू जंद काली ने, फिर मात पिता ने कंदन वाली तज तू रजदानी ने, जीता तीर लग्या जब कवर गया पानी ने, हो दशरथ जीता तीर लग्या जब कवर गया पानी ने, मेरे मात पिता मेरे मरे दसाए, मात पिता मेरे मरे दसाए, मैं जाके पानी पियाइए, चारों पूछ के लोग पहली कली में मां बाप की सेवा का उदाहरण, दूसरी कली में गुरु की सेवा। लोगों गौर करना, जब दशरथ का तीर लगा श्रवण के, श्रवण ने यह नहीं कहा महाराज मेरी जान बचाओ, श्रवण ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं कही। वहां भी श्रवण ने मरते मरते एक बात कही राजा दशरथ को, महाराज मेरे माँ बाप ने पानी पियाओ। ऐसे पुत्र भगत के लिए जोरदार तालियां लगाएं, भगवान करे सब का ऐसा पुत्र दे। yeah.
जी मेरे आदरणीय शोर को से मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद, उनका भी बार बार धन्यवाद धन्यवाद। जो जो खुरद गांव से हमारे शिष्य भाई मोहित शर्मा शोर पे से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। गुरु का मान एक ऐसा चेला लोगों, गुरु ने भी ठोकर मार दी जिसके, लेकिन गुरु का नाम दिल में रखा और गुरु को ऐसा जना दिया, कौन था वो क्या कहा। एक पील का बेटा शिक्षा खतरी, एक पील का बेटा शिक्षा खतरी, गया गुरु के धोरे, पील जान के वो गुरु नाथ गया, वो खड़ा खड़ा सिर खोरे, अरे टिकी आत्मा गुरु के अंदर, वो पंजा धर्म के डोरे, गुरु बना लिया माटी का चा धरिया दाम के बोरे, गुरु बना लिया माटी का चा धरिया दाम के बोरे, यार गुरु ज्ञान ने गंग कहे से, गुरु ज्ञान ने गंग कहे से, उसमें गोता लाइए ने गौ का अपमान कराया, गौ सेवा नहीं करी। सजनों राजा रहा हो या रंक, उसका दंड भुगतना पड़ा है। शराब, शराब का दंड देवताओं को भी भुगतना पड़ा है। ये हमारे आदरणीय अंकल जी सौ रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। तीसरी कली में उदाहरण दिया के वासुकी नाग जो शेष नाग का छोटा भाई था, घमंड हो गया, मतंग ऋषि के डेरे में रात में चला गया, हर दूध मांग लिया। मतंग ऋषि दूध को इनकार कर देते, मैं रात में दूध नहीं गड़त लाऊं। घमंड में आके वासुकी नाग ने मतंग ऋषि की गऊ का डंक मार दिया होगो, लेकिन ऋषि का श्राप से देवासु के नाग को के बनया, वो के होया मेरे बहुत ही आदरणीय सतबीर जी स्वर्ग से मान सम्मान करते, हमारे बहुत आदरणीय पहले मान सम्मान दिया उनका भी धन्यवाद। तीसरी गली में वासु के नाग का उदाहरण दिया, चाल्या उठ रात मेरे मतंग ऋषि पे दूध मांग लिया, पड़ गया फर्क बात मेरे, दूध मिला ना गऊ दसी, उसका लाग गया कोड गात मेरे, एक अज का बेटा गऊ चढ़ाया लेके नार हाथ मरे, अज का बेटा राजा एक नारा बाकी सत्य
रामचंद्र भागी दशरथ रामचंद्र लक्ष्मण से नाम धराइए आदरणीय श्रीमान जी निरंजन जी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। बाबा की कृपा बनी रहे। आखिरी कलिमा निचोड़ के जिन्हें इनकी सेवा करी उसका बेड़ा पार, हाँ जिन्हें नहीं करी वो मजदार। गौर करना लोगों, आज आप इतनी संख्या में बैठे हो, कुछ ऐसे भी हैं जो घर न सुत्ते पड़े हैं, जानबूझ के सुत्ते को नहीं पड़े, उनका भाग में सत्संग नहीं है। आप खुश नसीब भगत, एक बार जोरदार तालियां जो बाबा के दरबार में बैठे हो आज। भगवान करे ऐसे ही सारे खुश रहो, भगवान आनंद रखे। आखिरी कली में क्या दर्शाए क्या कहा, एक चीज और। आज समय ऐसा है कोई कोई तपस्या नहीं कर सकता गृहस्थी, क्यों गृहस्थी का 100 लाख है, लेकिन कवि ने एक संत की तपस्या का फल लेना हो उसका रास्ता बताया है। जैसे हमारे बाबा जी हरिदास जी हुए, इन्हें त्याग कराया तपस्या करी, उनकी तपस्या का फल आपने लेना हो तो एक रात में मिल सकता है, घड़ी में मिल सकता है। वो सच्ची श्रद्धा से जैसे आप आ जाए हो, उस श्रद्धा से उनका भजन करो, उनके जीवन की तपस्या का फल आपने मिल जाएगा, ये सच्चाई है। भजन करो, आखिरी कली में यही संदेश दिया। क्या कहा, चारा की रसेवा खतर जो तन पे दुखड़ा से घे, लेकिन चारा की मेर फेरी ये पाप कर्म सब दे घे, जिन इन चारा ते मुखड़ा मोड़ा वो अधम बेचारे रे।